भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह ने अब क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए युवराज ने अपना दर्द भी बयां किया। युवराज ने बताया कि बीसीसीआई ने उनसे यो-यो टेस्ट में फेल होने पर विदाई मैच का वादा किया था, लेकिन वो यो-यो टेस्ट में सफल रहे और उन्हें फिर से टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका नहीं मिला। लगभग 17 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले 37 साल के युवराज ने भारत की ओर से पिछला मैच जून 2017 में खेला था। युवराज ने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे बोला गया था कि अगर आपसे यो-यो टेस्ट पास नहीं होता तो आप विदाई मैच खेल सकते हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बीसीसीआई में किसी से नहीं कहा कि मुझे अंतिम मैच खेलना है। अगर मैं अच्छा था, मेरे अंदर क्षमता थी, तो मैं मैदान से संन्यास लेता और मुझे इस तरह का क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है कि मुझे एक मैच चाहिए। युवराज ने आगे कहा कि तो मैंने उस समय बोला कि मुझे विदाई मैच नहीं चाहिए, यो-यो टेस्ट पास नहीं होगा तो मैं चुपचाप घर चला जाऊंगा। यो-यो टेस्ट मैंने पास किया और उसके बाद चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थीं। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि इस बारे में बात करने के लिए मेरे पास अब बहुत समय होगा। मुझे काफ़ी कुछ कहना है। मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि भारत विश्व कप खेल रहा है और मैं खिलाड़ियों को लेकर किसी तरह का कोई भी विवाद नहीं चाहता हूँ। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।